आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक अफसोसनाक खबर से है और वो ये है कि पाकिस्तान के सबक कप्तान सईद अहमद का गश्त रोज इंतकाल हुआ सईद अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करते हुए आ, उन्होंने इकतालीस टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की पाँच सेंचरीों और सोलह निस सेंचरीों से की मदद से उनतीस सौ इक्यानवे रन स्कोर किए ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते थे और बाईस विकेटें भी उन्होंने लीं ठीक है जी उन्नीस सौ अठावन में ब्रिश राउंड टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया उन्नीस सौ बहत्तर तिहत्तर में उन्होंने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला वो पाकिस्तान के छठे टेस्ट कैप्टन थे आ, तो आगाज़ इसी अफसोसना ख़बर से है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके अहल खाना को आ, से भी इजहार ताज़ियत है कि उनको सब्र जमीलाफर माए पाकिस्तान क्रिकेट के आ, अगर हम शुरू के दिनों की भी बात करते हैं जब हम आज भी याद करते हैं आ, ग्रेट फजल महमूद साहब को अल्लाह ताला उनके भी दर्जा बुलंद फरमाए और वो पाकिस्तान के क्रिकेट की तारीख़ के पहले हीरो थे सुपर हीरो थे जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को दुनिया में शनाख्त मिली भले वो भारत में कामयाबी हो भले वो इंग्लैंड में कामयाबी उनके साथ, साथ हनीफ मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद और तो जितने भी वो पाकिस्तान की इब्तायी टीम थी उन लोगों ने पास्तान की क्रिकेट की बहुत खिदमत की है दूसरी तरफ जवेरिया खान पास्तान के वुमेन क्रिकेटर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है इसके साथ पाकिस्तान हॉकी फेड्रेशन में जिस तरह से मामला आगे को बढ़ रहे हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं आज वैसे बड़ा अहम दिन है इतलात हैं कि शायद दो फेड्रेशन पाकिस्तान में हॉकी फेडरेशन बन जाएँ यानी कि एक खेल की दो फेडरेशन और खेल पूरे मुल्क में आपको कहीं पर नज़र नहीं आएगा आज के दिन में जब हैठे यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसा मुल्क जिसने बैन अवी सतह पर दुनिया को मुतासर किया दुनिया ने इनके जैसे हॉकी खेलने की कोशिश की दुनिया इनको देख कर सीखती रही आज ये खेल मुल्क में कहीं नज़र नहीं आता लेकिन इस खेल के नाम पर जो पाकिस्तान में हो रहा है गुज्त दो दहाइयों से बिलखसूस और अगर आप सत्रह अठारह बरस की बात करते हैं तो इसमें हॉकी के नाम पर जो सियासत हुई है जो फंड्स का नाजायज़ और इख्तियार नाजायज इस्तेमाल हुआ उसने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया इस पर भी ज़रूर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट जो कि एक बड़ा सबसे बड़ा खेल है पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है वहाँ पर कोई टैलेंट की कमी नहीं है वसाइल की कमी नहीं है किसी भी तरीके से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है लेकिन आज भी हम जब दो हज़ार चौबीस के तीसरे महीने में बात कर रहे हैं बैठे तो हम अपनी नज़रें जमाए हुए हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया तो उसका मतलब ये है कि टैलेंट नहीं है खिलाड़ी नहीं है इसका ज़िम्मेदार कौन है इस पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या वाकई सिर्फ एक ही हाल है कि गैर मुल्की कोचज की तरफ जाना है हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पी जे मीर साहब सी जे साहब वाले बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आप यहाँ पर तशीफ फरमाएं और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन जनाब सैयद याहिया हुसैनी साहब सलामकुम याहिया साहब ठीक है याहिया अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं उनसे भी गुफ्तु करेंगे पी जे साहब सईद अहमद साहब सबसे पहले तो यार मुझे बहुत अफसोस हुआ है जैसे आपने उनकी हिस्ट्री बताई है सेवेंटी थ्री तो सेवेंटी एट में इन्होंने अपना एक रिवाइव किया था वापस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले आए तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि इंग्लैंड के, के खिलाफ हम दोनों खेले थे पिशावर में एंड देट वॉज इज रिवाइवल हालांकि वसीम राजा कैप्टन था हमारा तो उसके अंदर सईद ने इतना वो परफॉर्म नहीं किया इसलिए नहीं किया कि उसको चांस ही नहीं दिया ठीक है उसको चाहिए था कि यू नो उसको उनको बॉलिंग भी कराएं एंड यू नो आई थॉट दैट वज बिट अनफेयर बहरहाल मेरा एक वो एक्सपीरियंस था बड़ी बातें हुई उनसे उनके छोटे भाई मुझे मिलते रहते हैं यूनिस लंडन में होते हैं मिलते हुँ. रहते हैं मुझे चक्कर लगाते uh, हैं कभी कभी पाकिस्तान में हाँ आते हैं हुँ. हुँ. उनकी बुक लॉन्च मैंने इधर हाँ, कराई थी हाँ. अलहमरा में uh, यूनस की तो ग्रेट फैमिली और यूनस को तो मैंने गैरी सोबस का जब इंटरव्यू किया इमरान तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हु इज़ योर बेस्ट लेफ्ट हैंडर आपकी ओपिनियन में तो कहता है यूनस अहमद मैंने कहा वाई कहता है जो लोग होते हैं लेफ्ट uh, हैंडर्स वो रोकते हैं hmm. ये आगे जाता था इसका फ्लो होता था दैट वॉज गैरी सोबस तो एक कमेंट uh, इतना बड़ा यूनस के लिए कहना सर गैरी तरफ सर गैरी सोबस की तरफ से सो दैट वॉज अ ग्रेट थिंग बट बड़ा अफसोस हुआ यू नो सईद सुन के कैप्टन भी रहे मैंटोर uh, भी बिल्कुल वो क्रिकेट से आउट ही हो गए थे यू नो ही टोटली वेंट ऑन अदर साइड टोटलीस में ही वेंट द रिलीजियस साइड फिर वहाँ यू नो बड़े अच्छे बातें करते थे बट आई गेस लाइफ क्या करें बिल्कुल ये हुसैनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया बहुत बहुत शुक्रिया याहि भाई किस तरह से देखते हैं आप इस मौजूदा सूरत हाल में जब हम क्रिकेट की बात करते हैं आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशल्स इंतजामिया उन खिलाड़ियों की तरफ झुके हुए हैं या उनकी तरफ़ देख रहे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हुआ है और अगर वापस भी लाना है तो आज के दिन में भी अगर हम ये अतलात मिलती हैं ये खबरें मिलती हैं कि अभी भी कोई बात तौर पर या बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोगों ने रब्ता नहीं किया

हम इसके ऊपर मलबा डाल दें हम उसके ऊपर मलबा डाल दें अब शायद जिंदगी में जो काम करने का तरीका है वो ये होना चाहिए कि जो मेरा काम है तो वो मुझे बहुत ईमानदारी के साथ पूरे पेशा वारा अंदाज में करना चाहिए अगर यहाँ पर ये यह बात हो रही है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी इतने तब्दील नहीं हुए पाकिस्तान टीम के कप्तान इतने तब्दील नहीं हुए जितने पिछले चंद माह में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हमें चेयरमैनों का तोहफा मिल गया है तो देखिए ग्राउंड के अंदर को खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस करना है ये तो पाकिस्तान सुपर लीग है एक और सीजन मैंने देखा और आपके सवाल का जवाब ही मैं देना चाहता हूँ क्या आप मुझे बताइएकरे और, तो और अगर आप थोड़ा बारीकी के साथ जाके उनकी परफॉर्मेंस का अहाता करने की कोशिश करेंगे तो एक दो मैचों की परफॉर्मेंस की वजह से वो टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर बने लेकिन जहां उनको टीम को उनकी जरूरत पड़ी वो परफॉर्म नहीं कर सके वो डिलीवर नहीं कर सके बाद दरअसल हाफिज ये है कि मार्टिन गुप्टल को तो कोई लेता नहीं है उन्होंने आके जिस तरह इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी का मुजाहरा किया है तो हमारी क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी पर्टिकुलरली आप जो मोहम्मद आमिर के हवाले से बात कर रहे हैं इमाद वसीम के हवाले से बात कर रहे हैं लेकिन एक चीज बहुत करीने के साथ बहुत एहतियात के साथ और समझने की जरूरत है और वो चीज ये है कि हमें अपने खिलाड़ियों को रेस्पेक्ट देना पड़ेगी गैर मुल्की लीग में जो उनके महिदे हैं उनके हवाले से एक जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं उनको अपनी सोच तब्दील करने की जरूरत है मोहसिन नकवी को तो अभी जुमा जुमा आठ दिन ही इस क्रिकेट बोर्ड में आए हुए हैं लेकिन जो लोग क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं उनको सारी डायनेमिक्स का पता है तो उनको जो है वो मैकेजम और केमेस्ट्री बनाने की जरूरत है वरना वो इसी तरह चलता रहेगा कुछ नहीं होना ठीक है इसी तरह चलता रहेगा कुछ नहीं होना पीजे साहब इसी तरह चलता रहेगा असल में उनके मानना है कि ये जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं इनको सोच बदलने की ज़रूरत है या, या ने बिल्कुल सही बात की है आ, ये जब तक ये, ये सोच चेंज नहीं होगी उसी तरह होगा उसने तो चंद बातों के अंदर यानी ने आपको एक खुलासा दे दिया है कि आपने निकाला क्या एस पी एस एल से बड़ी ठीक बात की है हम बिल्कुल रोसाबा की तारीफ करते हैं लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी नहीं थी सो व्हाट इज़ द रीज़न दो चार सिलेक्टेड मैचेस के अगर आप विकेट्स ले लें तो दैट हजन मेक यू अ ग्रेट बोला इट मेकिंग बोला बट टू बिकम अ ग्रेट बोला आपको एक कंसिस्टेंसी दिखानी है तो आपके इसके अंदर इस सेटअप के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है फिर आपने फिर आपने एक सवाल अभी किया कि भाई आपका कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है और बिल्कुल या ये इज राइट प्लेयर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो बाहर निकलता है उसको ग्राउंड्स के अंदर भी आप जाने नहीं देते आपके पास एक प्रिवलेज थी एक आ, आ, कारदार साहब ने बनाई थी कि आपके पास एक कार्ड होता था यू नो इफ यू प्लेट फॉर पाकिस्तान तो वो कार्ड दिखा के आप अंदर चले जाते थे आपका इंक्लोजर होता था आपने वो कार्ड्स ख़त्म कर दिए आपने तो डिस्करेज ही किया है पुराने क्रिकेटर्स को दुनिया में लॉर्ड्स में जा देखो या या वहाँ कवर करके आए या कहीं एमसीजी चले जाओ चले जाओ पुराने क्रिकेटर्स आते हैं बैठते हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है यंगस्टर्स आते हैं उनको मिलते हैं फोटोज़ होती हैं यू you नो know, तस्वीरें खींची जाती हैं एंड एक इंस्परेशन बनती है हम हम तो पुराने क्रिकेटर्स को बॉयकआउट कर देते हैं टोटल पूछता ही कोई नहीं है किसी को व्हाई? बिकॉज़ यहाँ कोई फॉरवर्ड थिंकिंग ही नहीं है नए चेयरमैन आए ही हैज टू हैव दो पीपल जो अंडरस्टैंड करते हैं इस गेम को फ्रॉम ग्रास रूट लेवल राइट अप टू द टॉप लेवल अगर आप नहीं करेंगे तो ठीक है फिर इस तरह ही आपकी वो कहते हैं ना इस तरह ही किस्ती आपकी चलती रहेगी और यही क्रिकेट एक एडहॉक बेसिस पे आप चलाते रहो एडहॉक बेसिस पे ये या साहब ये जो आपने इज्जत की बात की है ये ये माजरा असल में क्या है ये कहाँ से चीज उठती है और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं देता इज्जत तो वहां पर क्या सोच है जो उन्हीं खिलाड़ियों की वजह से क्रिकेट क्रिकेटर्स की वजह से है अगर उनकी इज्जत नहीं है तो उसके रास्ते में रुकावट क्या है कौन लोग चाहते हैं कि ऐसा तनाजात बनते रहें बोर्ड के अंदर से लोग चाहते हैं